हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों स्वागत है आपका रंजीत वीडियो पॉइंट में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं वही जो फिलहाल मैं चालू किया हूं कि जितने भी एनपीएस से संबंधित जितने भी आपके पास समस्याएं आ रही है उसका मैं निदान करते जा रहा हूं, उसके उपाय मैं बताते जा रहा हूं। बहुत सारे लोग जो है लाभान्वित हो रहे हैं और उनका एनपीएस सक्सेसफुल हो जा रहा है, मतलब उनका प्राण नंबर आ रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन भी सही हो जा रहा है। फिर भी बहुत सारे लोगों से गलतियां हो जाती है और हो गई हैं, तो उन्होंने कमेंट पर अपनी समस्याएं बताई हुई है जिसका मैं वीडियो में आपको आंसर देने वाला हूं और उसका उपाय बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप हर चीज को सही कर सकते हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा हुआ था कि अगर एक नौकरी से दूसरी नौकरी में हम लोग जाते हैं तो हमारे एनपीएस अकाउंट का होता क्या है, उसको कैसे रिजर्व कर सकते हैं हम लोग, फिर कैसे उसको एक नौकरी से दूसरी नौकरी में ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए अभी फिलहाल जो बिहार में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक वैकेंसी हुई है उसमें बहुत सारे लोगों ने टीआरई वन में ज्वाइन किया था और फिर टीआरई टू में आ गया था। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है कोई रोहतास में था तो चला गया मधुपुरा में, कोई मधुबनी में से था तो आ गया सिवान में, इस तरह से उनका जिला भी चेंज हुआ है। इसमें भी इन सारे लोगों ने प्रश्न पूछा हुआ है कि सर अपने प्राण नंबर को हम लोग क्या करें, जो हमारा प्राण नंबर खुल गया है उसको कैसे दूसरी नौकरी में हम लोग ट्रांसफर करें। चाहे आप किसी भी विभाग में सर्विस कर रहे हो, अगर आपका एनपीएस अकाउंट खुल गया है, अगर आप दूसरे विभाग में जा रहे हैं, दूसरे विभाग में सर्विस कर रहे हैं, तो फिर किस प्रकार से अपने एनपीएस अकाउंट का एडजस्ट करेंगे मैं इस टोटल वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो देखिए मैं बता रहा हूं आपको, एनपीएस जो अकाउंट होता है वो एक परमानेंट अकाउंट होता है, वो एक बार खुल जाता है तो उसके बाद दोबारा नहीं खोला जाता। उसी को क्या किया जाता है, अगर एक नौकरी से दूसरी नौकरी हम जाते हैं तो वो एनपीएस अकाउंट जो होता है वो सेम ही रहता है, वो एक ही रहता है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए हम किसी सर्विस में हैं और उसमें मेरा एनपीएस अकाउंट जो पेंशन स्कीम सिस्टम के तहत मेरा पैसा जो कट रहा है, अगर एक मान लीजिए मैं अभी फिलहाल किसी पोस्ट ऑफिस वाले नौकरी में हूं तो पोस्ट ऑफिस में मेरा एनपीएस अकाउंट में जो पैसा जमा हो रहा है, लेकिन हम वहां से अगर दूसरे मान लीजिए एसएससी के माध्यम से किसी और विभाग में चले जाते हैं तो मेरा जो पैसा जमा है वो थोड़ी लैप्स होगा, वो पैसा सरकार रिजर्व रखती है। अगर आप एसएससी में जाते हैं तो उसी प्राण नंबर का जो आपका प्राण नंबर जनरेट हुआ है, एनपीएस अकाउंट जनरेट हुआ है, उसी पर आपका दूसरे सर्विस में भी काम होगा और फिर जो पैसा पहले से जमा आपका है उसमें जिस नए नौकरी में गए उसका पैसा भी उसमें जमा होना शुरू होगा। दोस्तों ये प्रोसेस है। तो अब होता है कि कैसे हम दूसरे उस अकाउंट को दूसरे सर्विस में कैसे शिफ्ट करें। जैसे जैसे बिहार में देखिए कि अभी टीआरई वन हुआ है और टीआरई टू में बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है तो उनका प्राण नंबर जो जाना है तो इसे कहते हैं प्राण नंबर शिफ्टिंग प्रोसेस। इस पर मैंने एक पहले वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। फिर भी मैं इसमें बात करने वाला हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया हुआ है। देखिए प्राण शिफ्टिंग का प्रोसेस क्या होता है, प्राण शिफ्टिंग जो है आप फिजिकली भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव रहेगा कि आप ऑनलाइन प्राण शिफ्टिंग ना करें क्योंकि थोड़ा सा उस पर चीदा होता है और उसमें फंसने की संभावना जरा रहती है। अगर प्राण शिफ्टिंग ऑफलाइन करें, जैसे मान लीजिए कोई टीआरई वन में ज्वाइन किया है या किसी और सर्विस में पहले से है और दूसरे सर्विस में जा रहा है या टीआरई टू में ज्वाइन कर रहा है तो उसका प्राण नंबर जो खुल गया है तो प्राण शिफ्टिंग का एक फॉर्म मिलता है, आप मार्केट से कहीं भी लीजिएगा कि न्यू पेंशन स्कीम का जो प्राण शिफ्टिंग है उसके लिए एक फॉर्म दीजिए। उस प्राण शिफ्टिंग में जो डाटा आपको भरना होता है वहां से आप वो डाटा भर दीजिए, प्राण नंबर अपना भर दीजिए, पैन कार्ड आधार कार्ड जो है ये सारे भर दिए। जो नए सर्विस का है उस सर्विस का डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना होगा। अटैच करने के बाद जिस विभाग में आपने ज्वाइन किया है उस विभाग में आप वहां पर जाकर अपना प्राण शिफ्टिंग जमा कराइए और जमा कराने के बाद कुछ दिन प्रोसेस लगता है और प्रोसेस लेने के बाद आपका जो प्राण शिफ्टिंग हो जाएगा तो आपको जो है नए विभाग में जो ज्वाइन किए हैं वहां पर आपका अकाउंट नंबर शो करने लगेगा, उस जिला का शो करने लगेगा, हर कुछ शो करने लगेगा तो आपका वेतन शुरू हो जाएगा और नए प्राण शिफ्टिंग में ये सिंपल तरीका है। हाँ, जैसे अभी बिहार में टीआरई वन कैंडिडेट हैं और टीआरई टू में जा रहे हैं, देखिए प्राण शिफ्टिंग जो होता है अगर आप उसी जिले में सर्विस कर रहे हैं, अगर मान लीजिए रोहतास जिला में आपका ज्वाइन हुआ है और रोहतास जिला में ही फिर दोबारा आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको प्राण शिफ्टिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसमें क्या होता है, केवल अगर आपका डिपार्टमेंट चेंज होता है तो आपकी प्राण शिफ्टिंग की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए मैं एडुकेशन डिपार्टमेंट के कहा हूं और मैं पंचायती राज विभाग में चला जा रहा हूं या कल्याण विभाग में चला जा रहा हूं तो इसमें प्राण शिफ्टिंग की आवश्यकता पड़ती है। अगर एक जिला में है तब पर भी आपको आवश्यकता पड़ती है, उसमें आवेदन देना पड़ता है।
लेकिन अगर शिक्षा विभाग में है और शिक्षा विभाग में आप उसी जिले में रह गए हैं तो आपको प्राण शिफ्टिंग की आवश्यकता देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसी प्राण नंबर पर केवल एक अप्लीकेशन के माध्यम से ही आपका वो प्राण जो है दूसरे स्कूल में यानी दूसरे जो आपका ऑफिस है वहां पर एड्रेसिंग हो जाता है, तो उसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप किसी शिक्षा विभाग में ही है और किसी शिक्षा विभाग में ही आप एक जिले से दूसरे जिले में आप चले जाते हैं, आप दूसरे जिले में ज्वाइन करते हैं, तो वहां पर जो पहले वाला आपका एनपीएस अकाउंट है उस एनपीएस अकाउंट को नए जिले में आप ज्वाइन किए हो वहां पर आपको शिफ्टिंग कराना पड़ेगा। वहां पर आपको प्राण शिफ्टिंग वाला फॉर्म लीजिए और प्राण शिफ्टिंग फॉर्म लेकर उसे पूरी तरह से भरिए, वहां पर डॉक्यूमेंट लगाइए और डॉक्यूमेंट लगाने के बाद वहां पर जमा कीजिए, क्योंकि प्राण शिफ्टिंग जब जमा करते हैं वहां पर तो वहां पर वेरीफाई होने के बाद वो अपने मुख्य विभाग में जाता है। जैसे अगर आप बिहार में हैं तो पटना जाएगा, जहां पर राजधानी में जो उसका शिक्षा विभाग होता है वहां पर जाएगा, वहां से आपका वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद कोड जनरेट किया जाता है, उसके बाद वहां पर ओटीपी आता है, तब वेरीफाई होने के बाद आपका प्राण शिफ्टिंग हो जाता है और आपका एचआरएम इस पर वो चीजें दिखाने लगती है, जो कि आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें सारी चीजें आपको नए तरीका से शो करने लगता है और पहले वाला जो पैसा आपका है उसमें रिजर्व वो वैसा ही रहेगा और नए पैसा ऐड होने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों ये प्रोसेस है प्राण शिफ्टिंग का। आप किसी भी सर्विस में हैं और दूसरे सर्विस में जा रहे हैं, डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है या जिला चेंज हो रहा है, तो आपको अपने एनपीएस अकाउंट के लिए प्राण शिफ्टिंग करना पड़ेगा और प्राण शिफ्ट का फॉर्म आपको भर पर फिजिकली जाकर अपने ऑफिस में जमा कर दीजिए और जो उसमें डॉक्यूमेंट लिखा रहता है, जो डॉक्यूमेंट देना होता है आप दे दीजिए और उसके बाद आपका प्राण शिफ्टिंग आसानी तरीका से हो जाएगा। दोस्तों अगर आपका प्राण नंबर में किसी प्रकार की कोई गलती हो गई है तो ज्यादा छेड़खानी उसमें न करें, आप वेट करें। बहुत सारे लोगों का गलती होने से रिजेक्ट हो जाता है, तो रिजेक्ट होने पर आप दोबारा ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा छेड़खानी करने पर आपका मामला फंस सकता है, तो फिर आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है और दौड़ना पड़ता है। जैसे रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है, कुछ गलतियां हो जाती है, आपको वेट करना पड़ता है कि उसमें स्टेटस में क्या दिखा रहा है, उसके अनुसार आपको एक्शन लेना पड़ता है। तो ऐसे ही जानकारी पोर्ट पे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।